फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेल लीड तो सीईओ होता ही है, बट इसमें हमारी फीमेल लीड भी सीईओ होती है। मेल लीड का बचपन से ही फीमेल लीड पे क्रश होता है, बट फीमेल लीड उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती क्योंकि उसके लिए लव से इम्पोर्टेंट उसका काम है। तो चलो हम देखते हैं क्या मेल लीड का ट्रू लव फीमेल लीड को अपनी लाइफ में ला पाएगा, ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं निंग को, जो जी कंपनी की सीईओ है। उसका असिस्टेंट बताता है कि उन लोगों ने डायना कंपनी को भी खरीद लिया है। तो वो कहती है ओके, तो मैं डायना कंपनी में जॉब करने जाऊंगी। असिस्टेंट तो एकदम हैरान था कि ये कैसे हो सकता है, आप तो सीईओ हो। वो कहती है मैं चेक करना चाहती हूँ कि वहाँ के एम्प्लॉय कैसे हैं। और फिर असिस्टेंट के मना करने के बाद भी वो एक इंटर्न बनकर उस कंपनी में जाती है। वहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी दूसरी लड़की से टकरा जाती है, तो वो लड़की उसे सुनाने लगी थी कि तू प्रेग्नेंट है, शुक्र कर तुझे कंपनी में रख रखा है, वरना तुझे बाहर फेंक देंगे। और इस लड़की का नाम रैन है। वो अभी भी उस प्रेग्नेंट लेडी को डांट रही थी तो निंग आकर उस प्रेग्नेंट लेडी की साइड लेने लगती है। वो कहती है तू मुझे सुनाएगी, तू तो इस कंपनी में न्यू इंटर्न है, ज्यादा बोलेगी तो तेरा भी पत्ता कटवा दूंगी। तू इंटर्न है ना, तो जाकर काम कर। और जानबूझ के अपना काम निंग को दे देती है। निंग जब फोटोशूट करने लगी थी तो वो कैमरा खराब था, तो कहती है मैंने तुझे सही कैमरा दिया है, लगता है तुझे कैमरा यूज करना नहीं आता, पता है कैमरा कितना महंगा है। इस वक्त उन्हें फोटोज की जरूरत थी, इसलिए निंग जल्दी से अपने फोन से फोटो शूट कर देती है। तो बाकी एम्प्लॉयज हैरान थी कि तुमने तो बहुत अच्छी फोटोज खींची, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। तभी वहाँ डायरेक्टर आता है, तो रैन डायरेक्टर को पटाने लगती है कि देखो देखो इसने मेरा कैमरा तोड़ दिया। और दूसरी लड़की चैन भी उसका साथ दे रही थी। निंग कहती है पहली बात तो कैमरा पहले से खराब था और मैंने फोटोज खींचती है। वो फोटोज दिखाती है, डायरेक्टर हैरान था कि इतनी अच्छी फोटो। तो रैन नाटक करने लगती है कि मैंने इसे सिखाया है। वो प्रेग्नेंट लेडी निंग की साइड ले रही थी और कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये निंग ने खींची है। पर डायरेक्टर उसे डांट देता है कि तुम बहुत बन रही हो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। निंग कहती है तुम सिर्फ प्रेगनेंसी के बेस में फायर नहीं कर सकते। डायरेक्टर कहता है तू मुझे सुनाएगी, और उसके थप्पड़ मारने वाला था। तभी वहां पे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री होती है, बट वो उसे देख के मुंह छुपाने लगी थी। इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर लू का बचपन से ही निंग पे क्रश है, बट वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। यहाँ तक कि वो बेचारा तो अभी तक उसे फ्लावर्स बुके भेजता रहता है, पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। तो मिस्टर लू आकर कहता है तुम यहाँ छुपी हुई हो। निंग कहती है कुछ नहीं, ये लोग इस प्रेग्नेंट लेडी को बुली कर रहे थे तो मैं इसकी हेल्प कर रही थी। तो मिस्टर लू डांटने लगता है कि तुम किस प्रेग्नेंट लेडी को बुली कैसे कर सकते हो, अगर मुझे पता चला तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। डायरेक्टर माफी मांगता है, तो वो निंग के साथ घूमने जाने लगा था। पर ये देख के रैन गुस्से में थी कि ये तो बस इंटर्न है, तू इसकी साइड क्यों ले रहा है। मिस्टर लू कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, वो भी मामूली इंटर्न बन के। वो कहती है किसी को भी मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में मत बताना, मैं यहाँ पे एक मिशन पे आई हूँ। वो कहता है ओके नहीं बताऊंगा। और फिर निंग भाग जाती है, तो डायरेक्टर मिस्टर लू से आके पूछता है मुझे लगा था आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, बट आप। मिस्टर लू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऑलरेडी फियांसे है, डायना ग्रुप के सीईओ मेरी फियांसे है। तो रैन खुश होती है, यानी मिस्टर लू की तो ऑलरेडी फियांसे है, तो इस निंग का तो पत्ता कट गया। नेक्स्ट निंग कंपनी आ रही थी, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसे घेर लेती है और कहती है तू तो एक मिस्ट्रेस है, क्योंकि मिस्टर लू की ऑलरेडी फियांसे है, तू मिस्टर लू को पटाकर रिच नहीं हो पाएगी। निंग कहती है पर मुझे रिच बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसका मजाक उड़ाने लगती है कि हाँ हाँ तू तो गांव की गवार है ना, तुझे रिच के स्टैंडर्ड्स कहाँ पता होंगे, पर तेरा क्या होगा जब डायना कंपनी की प्रेसिडेंट को पता चलेगा तू उनके फियांसे पे लाइन मार रही है। तभी वहाँ एक कार की एंट्री होती है, उस कार को देख वो गर्ल्स हैरान थी क्योंकि वो लिमिटेड एडिशन की है। कार का ड्राइवर बाहर आकर निंग से कहता है मैडम चलिए, चलू ने आपको अपने विला में बुलाया है। निंग उनके साथ चली जाती है, पर वो गर्ल्स के तो होश ही उड़ गए थे कि मिस्टर लू अपने मिस्ट्रेस को बुलाएगा। रैन कहती है जरूर वो उसे भगाने की सोच रहा होगा, या फिर प्रेसिडेंट को उनके अफेयर का पता चल गया होगा। बाकी गर्ल्स कहती हैं अगर ऐसा ना हुआ तो। रैन कहती है कोई बात नहीं, मैं इस निंग को सबक सिखा कर रहूंगी। और फिर वो डायरेक्टर की गोद में जाकर बैठ जाती है और उसे सिड्यूस करने लगी थी।
और हमें पता चलता है कि ये डायरेक्टर उसका ब्रदर इन लॉ है। रैन कहती है, ब्रदर इन लॉ, क्या तुम मेरे लिए उस निंग को सबक सिखा सकते हो? तो वो मान जाता है। निंग जैसी ऑफिस आती है, डायरेक्टर उसे अपने साथ एक मीटिंग में चलने को कहता है। और फिर वो मीटिंग में सब लोग ड्रिंक कर रहे थे, तो निंग जल्दी से भाग के आती है। डायरेक्टर कहता है, तुम्हें पता है तुम लेट हो, इससे हम सबकी इंसल्ट हुई है, तो चलो ड्रिंक करो। निंग कहती है, सॉरी पर मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। डायरेक्टर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ऑर्डर को मना करेगी? तूने मैनेजर की इंसल्ट की। मैनेजर उठकर निंग को छूने लगा था, तो निंग उसका थप्पड़ मार देती है और फिर उस पे वाइन फेंक देती है। डायरेक्टर कहता है, तू पागल हो गई है? वो कहती है, बकवास बंद करो, लगता है तुम पागल हो गए हो और मुझसे तमीज से पेश आओ। इससे पहले कि वो लोग कुछ करते, वहां पर मिस्टर लू आ जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैनेजर कहता है, मिस्टर लू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। बट वो उन पे चिल्ला पड़ता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, और निंग को वहां से ले जाता है। डायरेक्टर माफी मांगने के लिए पीछे भागने लगा था, पर असिस्टेंट उसे रोक देता है कि तुम लोग अब गए काम से। रैन खुश होकर जा रही थी कि काम हो गया होगा, पर डायरेक्टर आकर उसके थप्पड़ मार देता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। मिस्टर लू ने हमें जॉब से फायर कर दिया, कहीं वो निंग मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड तो नहीं? रैन कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मिस्टर लू की फियांसे तो प्रेसिडेंट है ना, तो वो गरीब सी निंग कैसे हो सकती है? उसने जरूर कुछ टाइम के लिए मिस्टर लू को पटा लिया होगा। डायरेक्टर कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और रैन फिर से उसे सेड्यूस करने लगी थी और कहती है, क्या तुम मुझे न्यू बैग दिलवा दोगे? वो कहता, हाँ मैं तुम्हें लिमिटेड एडिशन का न्यू बैग दिलवाऊंगा। नेक्स्ट डे डायरेक्टर उसे कार से जॉब पे छोड़ने आता है। वहां पे निंग भी कंपनी में आ रही थी क्योंकि उसका आज ड्राइवर नहीं आ पाया था, पर रैन उसे रोक लेती है और कहती है, तू इतनी गरीब है कि टैक्सी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। बट निंग उसकी बोलती बंद करके चली जाती है। और फिर कंपनी में सबको अपना न्यू बैग दिखा रही थी, तो सब गर्ल्स इम्प्रेस हो जाती हैं कि वाओ तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत रिच है, तभी तो इतना महंगा बैग लेके दिया। रैन कहती, हाँ मैं बाकी जैसे थोड़ी ना हूँ जो मिस्टर लू को सेड्यूस करती है, पर एक महंगा पर्स भी नहीं अफोर्ड कर सकती। निंग कहती है, क्या तू अपने बारे में बात कर रही है? तूने जो पर्स ले रखा है वो आउट ऑफ सीजन है। बट रैन और बाकी गर्ल्स उसके मजाक उड़ाने लगी थी कि तुझे इस बारे में क्या पता, महंगे महंगे बैग लिमिटेड एडिशन के होते हैं, तू तो लकी है कि तुझे मेरे साथ काम करने का मौका मिला, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। तभी वहां डायरेक्टर आ जाता है। क्या हुआ यहाँ पे? रैन भाग के जब उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, देखो देखो ये निंग फिर से कंपनी में बवाल कर रही है। डायरेक्टर कहता है, मुझे नहीं पता कल रात क्या हुआ था, पर आज एनुअल मीटिंग होने वाली है तो उसमें मत कुछ बवाल कर देना। रैन कहती है, इसकी इतनी औकात कहाँ है, इसे एनुअल मीटिंग का कहाँ कार्ड आया होगा। फिर डायरेक्टर निंग को अपने ऑफिस में बुला के उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। निंग उसे दूर हटा रही थी तो वो तब भी करे जा रहा था, इसलिए वो उसके लात मार देती है और फिर थप्पड़े मार के उसका मुंह बंद कर देती है। और चली गई थी तो डायरेक्टर चिल्ला रहा था। फिर एनुअल मीटिंग वाले दिन वो अपनी कार लेके काफी डैशिंग बन के आती है, पर जैसे वो जाने लगी थी उसे मिस्टर लू का फोन आ जाता है जो कहता है, तुम बाहर वेट करना मैं अभी आ रहा हूँ, दोनों साथ में चलेंगे। रैन और बाकी सब देखती हैं कि कंपनी के बाहर एक लड़की खड़ी है, तो कहती हैं, इसकी ड्रेस से तो लग रहा है ये काफी रिच है, कहीं यही मिस्टर लू की भियांसे तो नहीं। और बाहर देखने जाने लगी थी पर जैसी वो मुड़ती है पता चलता है वो तो निंग है, तो कहती हैं, तेरी औकात कैसे हुई यहाँ आने की? निंग कहती है, अगर तुम लोग आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। वो लोग कहते हैं, तुझे तो किसी ने इन्विटेशन भी नहीं दिया होगा। निंग कहती है, मुझे इन्विटेशन की जरूरत भी नहीं है। गर्ल्स कहती हैं, अच्छा तू जानबूझ के ऐसा कर रही है और ऐसे बंधन के खड़ी है ताकि कोई अमीर लड़का आएगा तो उसे फंसा के अंदर आ जाएगी। तभी वहां पे डायरेक्टर आ जाता है, तो रैन फिर से जाके उसका हाथ पकड़ लेती है कि देखो देखो ये बिना इन्विटेशन के अंदर घुस रही है। डायरेक्टर कहता है, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें अंदर ले चलूंगा। निंग वॉज लाइक, इट्स इम्पॉसिबल। तो डायरेक्टर अंदर चला जाता है। इतने में वहां मिस्टर लू भी अपनी कार लेके आ गया था और कहता है, तुम काफी टाइम से मेरा वेट कर रही हो ना? वो गुस्से से कहती है, हाँ। तो कहता है, सॉरी। और फिर दोनों अंदर जाने लगे थे। बाकी गर्ल्स कहती हैं, कहीं ये सच में तो मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड तो नहीं? रैन कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये बस पैसों के लिए ऐसा कर रही है। प्रेग्नेंट लेडी कहती है, पर ये भी तो हो सकता है यही प्रेसिडेंट हो, मिस्टर लू की फियांसे। गर्ल्स कहती हैं, तू तो अपना मुंह बंद रख, जब देखो इस निंग की साइड लेती रहती है। डायरेक्टर कहता है, हाँ वैसे भी
प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो वो ऐसे छोटी मोटी पार्टी में नहीं आएंगी। मिस्टर लो बाकी बिजनेसमैन से बात करने लगा था तो निंग खाने लग जाती है। रहना कर कहती है, देखो तो सही कैसे गवारों की तरह खा रही है, तुझे कभी खाने को नहीं मिला क्या? और फिर जानबूझ के उसके ऊपर वाइन गिरा देती है। इसमें मेरी गलती नहीं है, तू ही टकराई थी। निंग गुस्से से उसके मुंह पे वाइन फेंक के मारती। रैन कहती है, तू पागल हो गई है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? निंग कहती है, बहुत हुआ, मैंने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर ली है तेरी। तभी वहां पे एक आदमी आता है तो रैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अडॉप्टर डैड, जबकि वो आदमी उसके साथ फ्लर्टी बिहेव कर रहा था। निंग कहती है, वाह तुझे तो मानना पड़ेगा, तूने अपने ब्रदर इन लॉ को भी और अपने अडॉप्टर डैड दोनों को फंसा रखा है। अडॉप्टर डैड कहता है, मैंने सुना है तू भी तो मिस्टर लू की मिस्ट्रेस है, तो तू इसे क्यों सुना रही है? और हाँ एक बात बता दूं, मिस्टर लू की फियांसे हमारी प्रेसिडेंट है, तो तू उनके सामने टिक नहीं पाएगी। निंग कहती है, तू अपने काम से काम रख, समझा तू? और चलने लगी थी, वो उसके थप्पड़ मारने वाला था, बट मिस्टर लू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, मिस्टर लू आप इस लड़की के लिए हमें थोड़ी ना डांटोगे, आपको तो पता ही है प्रेसिडेंट यहाँ की सबसे रिच फैमिली में से एक है, तो आप अपनी फियांसे को गुस्सा थोड़ी ना करोगे। मिस्टर लू कहता है, सही कहा, मैं अपनी फियांसे को बहुत लाइक करता हूँ और मेरी नजरों में कोई भी लड़की उससे सुंदर नहीं है। निंग शर्मा रही थी और फिर उसे पकड़ के ले जाती है, तुम क्या बोल रहे हो? तब गर्ल्स कंफ्यूज थी कि मिस्टर लू निंग की साइड को ले रहा है, तो डॉक्टर डैड कहता है, तुम लोगों को ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर लू कुछ दिनों बाद इसे लात मार के बाहर कर देगा। निंग मिस्टर लू को पकड़ कर लाती है और कहती है, किसने कहा हम दोनों शादी करने वाले हैं? मैंने तो शादी के लिए कभी प्रॉमिस नहीं किया, मेरी नजरों में बस तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है, ऐसा क्यों बोल रही हो, हम एक फैमिली है ना, बचपन में जब हम खेलते थे घर घर तब भी तो हम साथ में थे ना। वो कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, तब तो हम छोटे थे, वैसे मुझे अभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना, मुझे काम पे ध्यान देना है। मिस्टर लू उसके हाथ पकड़ के कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, जैसे मैंने पहले रखा है उससे ज्यादा। तो थैंक यू करती है और फिर उसकी ड्रेस खराब हो गई थी इसलिए चेंज करने जाने लगी थी। फिर डॉक्टर डैड वहां देखता है, प्रेसिडेंट के डैड आए हैं, तो उनसे जाकर कहता है, मुझे पता है कि मिस्टर लू की प्रेसिडेंट से शादी होने वाली है, पर एक लड़की उन लोगों के बीच में आ रही है। वो कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हुई, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इधर निंग ड्रेसिंग रूम में जाती है और चेंज करने लगी थी, तभी वहां पर डॉक्टर डैड आता है और कहता है, तुझे प्रेसिडेंट से डर नहीं लगता, तू उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। निंग उसे इग्नोर करके जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मिस्टर लू अपने फियांसे से फिर से मेकअप करने वाले हैं, तो तेरे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा तू मेरे पास आ जा। निंग वाज लाइक, हाथ छोड़ मेरा कमीने, और अपना हाथ छुड़ा लेती है बट वो उसे टच करने लगा था तो कहती है, अबे बुड्ढे तो पागल हो गया है। वो कहता है, मैं अभी प्रेसिडेंट के डैड से बात करके आया हूँ, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। निंग कहती है, ऑफ कोर्स मेरे डैडी मुझे बहुत लव करते हैं। पर वो हंसने लगा था और कहता है, तुझे लगता है तू ही प्रेसिडेंट है, फिर तो फिर मैं भी कंपनी का सीईओ हुआ। और उसे टच करने लगा था बट वो उसे दूर हटाकर अपने हाथ साफ कर लेती है। इतने में मिस्टर लू भाग के आ उसे लात मार देता है। वो गुस्से में था कि किसने लात मारी, पर जब देखता है मिस्टर लू कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे पता है तू किसे छेड़ रहा था? ये कंपनी की सीईओ है, तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। निंग कहती है, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, और फिर उसकी कंपनी के साथ कॉपरेशन कैंसिल कर देती है। तो वो उनके पैरों में पड़ के भीख मांगने लगा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बट वो उसे लात मार देती है। तो मिस्टर लू अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है, इसे उठाकर ले जाओ और खूब धोना। तो बॉडीगार्ड उसे उठाकर ले जाते हैं, वो अभी माफी मांगे जा रहा था, तो मिस्टर लू और निंग वहां से चले जाते हैं। गर्ल्स देखती हैं कि बॉडीगार्ड किसी को पकड़ के ले जा रहे हैं, तो कहते हैं, रैन ऐसा लग रहा था जैसे वो तेरा अडॉप्टेड डैड है। वो कहती है, नहीं वो कैसे हो सकता है। निंग काफी थक गई थी क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मिस्टर लू उसे घर ले जाता है। नेक्स्ट डे रैन कंपनी में आती है, निंग अपना काम कर रही थी बट रैन उसे एक प्रोजेक्ट देने लगती है। निंग कहती है, ये तो तुम्हारा काम है, तुम अपना काम मुझे क्यों दे रही हो? वो कहती है, मैं तुझे मौका दे रही हूँ, वरना तुझे बाद में मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। बट निंग उसका प्रोजेक्ट फेंक के मारती है। तो रैन डायरेक्टर को कहती है, डायरेक्टर निंग को काम करने को कहता है बट वो मना कर देती है कि तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक इंटर्न को कैसे दे सकते हो। बट वो उसे फायर करने की धमकी देते हैं, तो कहती है, तुम यहाँ के कंपनी के सीईओ नहीं हो जो मुझे फायर कर दोगे, समझे? वो प्रेग्नेंट लेडी भी निंग की साइड लेने लगी थी तो वो दोनों से डांट देते हैं कि तू अपने बच्चे और अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप बैठी रहे।
और निंग से कहते हैं तू बहुत ज्यादा उछल रही है ना, मैंने अभी प्रेसिडेंट के डैड को बुलाया है, फिर देखना वो क्या करेंगे तेरे साथ। निंग सोचती है अब देखना तुम लोगों की बैंड बचेगी। फिर वहां प्रेसिडेंट के डैड आते हैं तो वो लोग निंग को बुला लाते हैं और पूछते हैं तुमने प्रोजेक्ट का क्या किया। निंग कहती है नहीं हुआ कम्प्लीट, क्योंकि वो रैन का काम था तो मैं क्यों करूँ। रैन कहती है इसका मिस्टर लू के साथ चक्कर चल रहा है, इससे पता है कि मिस्टर लू की फियांसे है फिर भी उसे फंसा रही है। प्रेसिडेंट के डैड चुपचाप बैठे थे तो सबको लगता है कि लग रहा है वो गुस्से में है। निंग कहती है डैड आप मेरे बारे में कुछ बोलोगे नहीं, तो सब लोगों के होश उड़ गए थे क्योंकि वो प्रेसिडेंट के डैड को डैड बोल रही है। रैन कहती है ये कैसे हो सकता है, ये सीईओ कैसे हो सकती है। चेयरमैन कहते हैं तुम लोग मेरी बेटी को डांट रहे हो, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरी बेटी सीईओ है। तो वो लोग उनसे माफी मांगने लग जाते हैं, अगर हमें पता होता है कि आपकी बेटी है तो हम कभी बुली नहीं करते। निंग कहती है अच्छा अगर मैं डैड की बेटी ना होती तो तब तुम लोग मुझे बुली करते। डैड कहते हैं तुम लोग एक न्यू इंटर्न को भी बुली कर रहे हो, वो भी बिना मतलब के, तो कंपनी में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं, और उन लोगों को फायर कर देता है। वो लोग उनके पैरों में छू के माफी मांग रहे थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बट वो माफ नहीं करते। और रैन की फ्रेंड्स तो पासे पलट लेती हैं कि इसने तुम्हें बुली करने को कहा था वरना हम तुम्हें कभी बुली नहीं करते। बट निंग को पहले से पता है कि वो ये सब नाटक कर रही है। डैड कहते हैं मैंने कहा ना तुम लोग निकलो, तो वो भाग जाते हैं। बाहर हम देखते हैं उन बाकी गर्ल्स की रैन से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि गर्ल्स को लगता है कि रैन की वजह से उनकी जॉब भी चली गई। तभी वहाँ पे रैन की सिस्टर आ जाती है और कहती है तू कैसी बहन है, अपनी बहन के हस्बैंड पे ट्राई मार रही थी, तूने अपने ब्रदर इन लॉ को भी नहीं छोड़ा। और उसके थप्पड़ लगा डालती है और उनके फोटोज दिखाती है। डायरेक्टर अगर उससे माफी मांगता है तो कहती है मुझे सब पता चल गया है, तुम दोनों मेरी पीठ पीछे चीट कर रहे हो मुझे। डायरेक्टर कहता है ऐसा नहीं है, इस रैन ने मुझे सेड्यूस किया है और उन दोनों में आपस लड़ाई होने लगी थी। तभी वहाँ पर निंगा चाहती है, इनफैक्ट ये सब निंग ने किया था, उन दोनों की सच्चाई रैन की सिस्टर को बताई थी। सिस्टर कहती है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। निंग कहती है डरो मत कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैसे भी लोगों को कंपनी से फायर कर दिया। तो वो दोनों भाग जाते हैं। निंग उससे कहती है अगर तुम्हें डाइवोर्स के लिए लॉयर की जरूरत हो तो मैं इंतजाम करा दूंगी। तो वो लड़की उसका थैंक यू करती है। फिर निंग घर जा रही थी तो देखती है बाहर मिस्टर लू खड़ा उसका वेट कर रहा है, तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। शी वाज लाइक मैं बच्ची थोड़ी ना खुद जा सकती हूँ। मिस्टर लू कहता है तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे घर बुलाया है। इनफैक्ट निंग के डैड चाहते हैं कि निंग मिस्टर लू से शादी करे, बट निंग तो मिस्टर लू को सिर्फ अपना चाइल्डहुड फ्रेंड मानती है और कहती है डैड ने तो ऐसे बोल दिया कि तुम ध्यान मत दो। बट वो कहता है नहीं मैं तो जरूर चाहूंगा और उसे पकड़ के ले जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर लू निंग को उसके घर ले आया था, तो निंग के मॉम डैड उनका वेलकम करते हैं, बट वो निंग को तो इग्नोर कर रहे थे, सिर्फ मिस्टर लू की खातिरदारी कर रहे थे। निंग वाज लाइक आप ये बताओ आपकी रियल बेटी कौन है। मॉम कहती है मिस्टर लू हमारा गेस्ट है, वो भी हमारे बच्चे जैसे ही है, वो बचपन में तुम्हारे साथ खेलने आता था, मैं उसे अपना ही बेटा मानती हूँ। मिस्टर लू कहता है नहीं आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं क्या बोल रहे तुम हमारे वैसे भी सन लॉ बनने वाले हो। निंग मॉम डैड को मिस्टर लू की तारीफ करने से मना करे जा रही थी, बट मिस्टर लू कैसे भी करके मॉम डैड को पटा लेता है। फिर वो सब साथ में खाना खाने लगते हैं। डैड पूछते हैं मिस्टर लू क्या तुम अब काम में बिजी हो। वो कहता है नहीं मैं इतना बिजी नहीं हूँ। डैड कहते हैं अब निंग भी ज्यादा काम में बिजी नहीं है तो तुम लोगों को डेटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। निंग कहती है किसने कहा मैं बिजी नहीं हूँ, मुझे बहुत काम है। और डैड आप मुझे कह रहे हो आप तो हमेशा काम में लगे रहते हो, मॉमी को भी कहीं घुमाने ले जाओ ना। और फिर सब खाना खाने लगे थे, फिर मॉम डैड खुद ही मिस्टर लू को बाहर तक छोड़ने आते हैं। जब वो चला गया था तो निंग मॉम डैड से कहती है मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। डैड कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम मिस्टर लू से शादी करने से मना कर रही है, तुझे पता है ना मिस्टर लू कितना अच्छा इंसान है। निंग कहती है बात वो नहीं है, बात यह है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। मॉम पूछती है क्या सच में, तो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम पेंग है और वो दोनों कुछ महीने पहले मिले थे। डैड कहते हैं इसमें डर क्यों रही है, अगर तू उसे लाइक करती है तो हम भी तेरे साथ हैं। निंग तो बड़ा खुश होती है। मॉम कहती है तो तू हमें अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलवाएगी, हम तो हमेशा तेरा साथ देंगे। तो कहती है मैं जल्दी मिलवाऊंगी, वो फौरन से आने वाला है, मैं तो फालतू में डर रही थी, मुझे लगा आप दोनों मना करोगे। वैसे पेंग यहाँ एक बिजनेस काम के लिए आ रहा है, उसका हमारी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट है। डैड कहते हैं टेंशन मत ले, तेरे लिए मैं उस प्रोजेक्ट को हाँ कर दूंगा।
तो निंग बड़ा खुश होती है। मॉम कहती हैं, तू उनसे मिलने जाने वाली है, तू उनके लिए अच्छे से गिफ्ट लेके जाना। मॉम कहती हैं, मेरा जो पर्ल नेकलेस है वही ले जाना। निंग कहती, नहीं मॉम वो तो लिमिटेड एडिशन है। मॉम कहती, कोई बात नहीं, तू अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलने जा रही है तो जरूरी है। डैड कहते हैं, हाँ वैसे भी हमारी बेटी से बढ़कर थोड़ी ना कुछ है। तो वो दोनों को हग कर लेती है कि आप दोनों कितने क्यूट हो। इधर पेंग की फैमिली मीटिंग हो रही थी, तभी वहां पर निंगा आती है। तो पेंग की मॉम कहती है, ए लड़की तू कहाँ घुसी आ रही है, कितने खराब से कपड़े पहन के आई है। निंग सोचती है, खराब कपड़े, ये सबसे फेमस डिजाइनर के कपड़े हैं, इसका तो सेकंड एडिशन भी नहीं है। तभी पेंग आकर निंग का हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है निंग। पेंग का भाई कहता है, भाई तू अंधा है क्या, ये लड़की कहाँ से ढूंढ लाया। और फिर उसके डैड कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती इतनी गिरी हुई लड़की ठहलाया। और फिर एक एक करके वो सब लोग उसके इंसल्ट करने लग जाते हैं कि ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। टैंग तू इस प्रोजेक्ट के बाद मिलीनियर बनने वाला है तो तू इस गांव की लड़की से शादी कैसे कर सकता है। टैंग कहीं ये लड़की तेरे पैसों के लिए तुझसे शादी तो नहीं कर रही। निंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और कहती है, तुम सब लोग होते कौन हो जो जज करने वाले, और अगर कोई गाँव की भी लड़की होगी तो क्या तुम लोग उसका ऐसे मजाक उड़ाओगे। टैंग कहता है, तुम मेरे मॉमडर से ऐसे बात कर रही हो। तो वो कहती है, तब से ये लोग मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहे हैं और तुम चुप खड़े हो, जब मैं बोलने लगी तो तुम मुझे चुप करा रहे हो। पेंग कहता है, ऐसा नहीं है, मेरे मॉमडेड शुरू से ऐसे हैं, तुम इस बात पे ध्यान मत दो। वो कहती है, ओके मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से माफ कर रही हूँ। और फिर उसकी मॉम को गिफ्ट देने लगी थी, बट उसकी मॉम बिना गिफ्ट देखे ही नीचे फेंक देती है और कहती है, तू मुझे फेक प्रोडक्ट्स देके पागल बना रही है। फिर वो नेकलेस निकाल के कहती है, ये तो बिल्कुल नकली है। निंग कहती है, तमीज से बात करो, ये पर्ल नेकलेस सिर्फ एक ही है। बट उसकी मॉम उसे सुनाई जा रही थी। तो पेंग कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम नकली क्यों लेके आई। तो मॉम नाटक करने लग जाती है कि पेंग तो मेरे लिए ऐसी बहू ढूंढ के लाया, मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही है और मुझे नकली गिफ्ट दे रही है। डैड भी उससे गुस्सा करने लग जाते हैं कि तेरी मॉम की तो पहले तबीयत खराब है और ये लड़की और ज्यादा खराब कर रही है। तो पेंग निंग पे चिल्ला पड़ता है। तभी वहां पे एक लड़की आती है और मॉम को गिफ्ट देती है। तो मॉम उस लड़की गिफ्ट की बहुत तारीफ कर रही थी और कहती है, देख ये मेरे लिए गोल्ड ज्वेलरी लेके आई है और तू तो फेक प्रोडक्ट्स लेके आई थी। निंग कहती है, तुम्हें पता भी है इस पर्ल नेकलेस का प्राइस कितना है, मार्केट में ऐसा मिलेगा भी नहीं। बट उन लोगों को लग रहा था कि निंग झूठ बोल रही है और वो सब कहते हैं, पेंग तू इस लड़की से शादी नहीं करेगा, तेरी शादी के लिए हम कभी अप्रूव नहीं करेंगे, हमें तो ये लड़की पसंद है। इनफैक्ट एक दूसरी लड़की पेंग की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और चाइल्डहुड फ्रेंड का पेंग पे क्रश है, इसलिए वो भी उन्हें इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। निंग कहती है पेंग से, क्या तुम ऐसे खड़े रहोगे, मैं जा रही हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, ऐसा मत करो, और मॉम को समझाने लगा था। मॉम फिर भी नहीं सुनती तो निंग हाथ छुड़ा के जाने लगी थी, बट मॉम उसका रास्ता घेर लेती है और कहती है, मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी, तूने मेरे बेटे को फंसाया है ना। और उसके थप्पड़ मारने वाली थी बट पेंग उनका हाथ पकड़ लेता है और उल्टा मॉम के बजाय निंग को कहने लगा था कि मेरी मॉम से माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर देंगी। निंग कहती है, मैं माफी क्यों मांगू जब मैंने कोई गलती की नहीं है। तो मॉम फिर से उसके मारने लगी थी। टैंग जैसे मॉम को रोकने लगा था, उसके धक्का मारने से मॉम से एक पॉट नीचे गिर जाता है जो टूट गया था और सब लोग हैरान थे। अभी वेटर आकर बताती है कि ये पॉट एंटीक था, ये बहुत महंगा है, लगभग 60 मिलियन का, जो इस होटल के प्रेसिडेंट मिस्टर डू ने खरीदा है। वो लोग पहले तो हैरान थे कि ये 60 मिलियन का कैसे हो सकता है। वेटर कहती है, ये सच है, यकीन नहीं आया तो जाकर किसी ज्वेलर से पूछ लो। निंग कहती है, कोई बात नहीं मैं बिल पे कर दूंगी, और अपना कार्ड देने लगी थी। डैड कहते हैं, ये तेरी औकात से बाहर है। पेंग कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। वो कहती है, जरूरत नहीं मैं कर दूंगी। और फिर वेटर को कार्ड देती है, वेटर कार्ड स्वाइप करने लगी थी बट कार्ड स्वाइप भी नहीं होता। सब लोग कहने लगते हैं, देखा देखा ये फेक निकला, इसके पास तो इतने पैसे होंगे भी नहीं। निंग हैरान थी कि कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा। तो वेटर बताती है कि ये वीआईपी कार्ड है, ये हर जगह काम नहीं करता, हमारे पास इसके लिए स्पेशल मशीन नहीं है। सब लोग हैरान कि इसके पास वीआईपी कार्ड कहाँ से आया। निंग कहती है, सॉरी मेरे पास तो अभी सिर्फ वीआईपी कार्ड है, मुझे थोड़ा टाइम दो मैं दूसरा कार्ड मंगवा लेती हूँ। वो लोग पूछने लगे थे कि तेरे पास ये कार्ड कहाँ से आया। तो बताती है कि ये मेरे डैड ने मुझे दिया है, बट उन लोगों को लग रहा था कि वो लंबी लंबी फेंक रही है, झूठ बोल रही है। वेटर कहती है, तुम लोग लड़ना बंद करो और ये बताओ इसका बिल पे कौन करेगा। पेंग की चाइल्डहुड फ्रेंड कहती है, ये होटल मिस्टर लू का है ना, मैं मिस्टर लू को जानती हूँ, बिल मैं पे कर देती पर ये पॉट इस निंग ने तोड़ा है तो मैं नहीं बिल पे करूंगी।
निंग कहती है, ये पॉट मैंने कब तोड़ा? वो कहती है, अगर तू सब सीन क्रिएट नहीं करती, तू यहाँ नहीं आती, तो ये सब नहीं होता। पेंग कहता है, हाँ ये तुम्हारी गलती है, तुमने तोड़ा है। और एक एक करके सब लोग उसी पे इल्जाम लगाने लगे थे। पेंग कहता है, तू मेरी मॉम और सबा की सबसे माफी मांग लो तो मैं बिल पे कर दूंगा। लिंग कहती है, पहली बात तो मैंने तोड़ा नहीं है, पर मैं फिर भी बिल पे करने के लिए रेडी हूँ। और मिस्टर लू को फोन करती है, वो पूछता है, आज तुमने कैसे मुझे कॉल कर दिया? निंग कहती है, मैं तुम्हारे किसी होटल में हूँ, मुझसे गलती से पॉट टूट गया, तो मैं क्या करूँ? वो कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं होटल को बोल दूंगा। मॉम कहती है, तू ये सब नाटक बंद कर, तू कौन से इस होटल के बॉस को जानती है? तभी बेटा को कॉल आता है कि उस पॉट का बिल ना लिया जाए। तो कहती है, कोई बात नहीं, आपको इसका बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं। बट चाइल्डहुड फ्रेंड नाटक करने लगी थी कि देखा, मिस्टर लू मुझे जानता है ना, इसलिए उसने मेरी हेल्प की होगी। तो मॉम चाइल्डहुड फ्रेंड की तारीफ करने लगी थी कि देखा, इसी ने हमें बचाया, वरना ये लिंग तो हमें फंसा डालती। निंग कहती है, बकवास बंद करो, मिस्टर लू को कॉल मैंने किया था, बट कोई भी उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। और ऊपर से पेंग कहता है, तुम्हें चाइल्डहुड फ्रेंड का थैंक यू करना चाहिए। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो। तभी वहां पर मिस्टर लू आता है, तो निंग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हें तो कहा था कि तुमसे पॉट टूट गया, मैं देखने आया कि यहाँ चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर बिना बताए मुझे खाने पर आ गई, पहले बताती तो मैं तुम्हारे लिए VIP रूम बुक करवाता, और इन सब लोगों के लिए भी। निंग कहती है, कोई जरूरत नहीं, ये सब लोग इसके लायक नहीं है। मॉम कहती है, ये लड़का कौन है? एक तरफ तो तू मेरे पैंकी गर्लफ्रेंड है, और ऊपर से इस लड़के के साथ भी चक्कर चल रहा है। निंग कहती है, ये मिस्टर लू है, चाइल्डहुड फ्रेंड, तुमने इसे पहचाना नहीं? तुम तो इसे जानती हो। और मिस्टर लू बताता है कि मैं यहाँ का बॉस मिस्टर लू हूँ। बट चाइल्डहुड फ्रेंड कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, ये नकली एक्टर रख रखा है तुमने। पैंग, तुम्हें इस लड़के से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मिस्टर लू कहता है, हाँ निंग, तुम्हें इस चंपू से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वैसे भी अजीब लोगों की फैमिली, तुम इनके साथ रह नहीं पाओगी। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है, तो वेटर झुक जाती है, पर मैनेजर मिस्टर लू को बॉस बोल रहा था, तो सब लोग हैरान। मैनेजर बताता है कि यही होटल के प्रेसिडेंट हैं, तुम सबके होश उड़ गए थे। मैनेजर कहता है, बॉस आप यहाँ आए हो तो मैंने आपके लिए VIP रूम बुक कर दिया। मिस्टर लू पूछता है, निंग चलोगी मेरे साथ खाने? यहाँ पे तो खाने का मूड ही कैंसिल हो जाएगा। निंग कहती है, सही कहा, इन जानवरों के बीच में कोई चांस नहीं रह सकता। और उसके साथ जाने लगी थी, पर पेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड और इसके साथ जा रही हो। वो कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी पर अब नहीं। जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के सबके सामने बेइज्जती होने देता है, उसकी साइड भी नहीं लेता, वो बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है। वो कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हें मुझसे ऐसा लड़का मिलेगा भी नहीं, देखना कुछ टाइम बाद तुम्हें घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगोगी और मुझसे शादी करने को कहोगी। बट निंग उसे इग्नोर करके मिस्टर लू के साथ चली जाती है। मैनेजर कहता है, अब तुम लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, चलो निकलो, और उन्हें खाने भी नहीं देता और उन्हें जाने का ऑर्डर दे देता है। टैंकी मॉम कहती है, चाइल्डहुड फ्रेंड, तुम तो कह रही थी तुम मिस्टर लू को जानती हो। तो वो लड़की नाटक करने लग जाती है कि लग रहा है किसी ने मेरा पागल बना दिया, मेरी गलती नहीं है। तो मॉम कहती है, हाँ हाँ तेरी गलती नहीं है। चाइल्डहुड फ्रेंड पेंग से कहती है, मैंने सुना है मिस्टर लू का डुआन कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है और वो उसके फियांसे हैं, यानी ये निंग मिस्टर लू की मिस्ट्रेस होगी, वरना वो इतनी गवार लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाएगा। मॉम कहती है, वो लड़की तो बड़ी बेकार निकली। चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगी। इधर ये दोनों खाना खा रहे थे, तो मिस्टर लू खुद अपने हाथों से सर्व कर रहा था। वो कहती, बस करो, मैं खुद ले लूंगी। वो कहता, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। निंग कहती है, तुमने कैसे सरप्राइज दे दिया, यहाँ मेरी हेल्प करने आ गए? वो कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बट वो शर्माने लगी थी, पर शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। मिस्टर लू कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और उसके लिप्स पे लगा साफ करने लगा था, तो वो नर्वस हो जाती है और ड्रिंक करने लगी थी। और फिर बात पलटने के लिए कहती है, हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। फिर निंग गुस्से से घर आती है, उसके डैड पूछते हैं, क्या हुआ, सब ठीक है ना? उसके पेरेंट्स ने तुम्हें जरूर पसंद कर लिया होगा, क्या हुआ, तुम सैड क्यों लग रही हो? तो निंग उन्हें सब कुछ बताती है कि उन लोगों ने कैसे उसे ह्यूमिलेट किया, और तो और हमारे पर्ल नेकलेस को फेक बोल रहे थे। मॉम कहती है, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो पर्ल नेकलेस तो मेरा फेवरेट है। और फिर उनकी तबीयत खराब होने लगी थी कि मेरा पर्ल नेकलेस भी चला गया। निंग कहती है, मॉम परेशान मत हो, मैं आपके लिए उससे भी अच्छा और नया नेकलेस लाके दूंगी। मॉम वाज लाइक, सच में? यानी मॉम नाटक कर रही थी। और फिर कहती है, मैं तो ऐसे कर रही थी, कोई बात नहीं, उस पर्ल नेकलेस की तुम्हारे सामने कोई कीमत नहीं है। डैड कहते हैं, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इंसल्ट करने की? और पेंग, क्या उसने तुम्हारा साथ दिया? निंग कहती है, वो पेंग तो उनसे भी बड़ा चंपू निकला, उसकी मॉम मेरी इंसल्ट कर रही थी, पर उसने मेरा साथ ही नहीं दिया, ऊपर मुझे डांट रहा था।
डैड कहते हैं निंग मैंने तुम्हारी वजह से उस पेन के साथ प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दी थी, बट अब मैं इस प्रोजेक्ट को वापस ले लूंगा। वो लोग अमीर होने का सपना देख रहे हैं ना, देखने उनका क्या होगा। निंग कहती है मैं भी पागल थी, उस चंपू की बातों में आ गई, पता नहीं मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया। मॉम कहती है सही कहा, अब कोई भी मेरी बेटी को बुली नहीं कर पाएगा। तो डैड निंग को अपना ब्लैक कार्ड दे देते हैं कि तुम इससे चाहे जो मर्जी खरीद लेना और शॉपिंग करके अपना मूड हल्का कर लो। फिर निंग अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए जाने लगी थी, बट आकर देखती है बाहर मिस्टर लू खड़ा उसका वेट कर रहा है। तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर लू कहता है आज के लिए मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी। निंग कहती है तुम्हारे पास मेरी कार की चाबी कैसे आई, क्या डैड ने तुम्हें दी। वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम बस अपने पर्सनल सेक्रेटरी के साथ चलो। चलिए बॉस। और फिर उसे शॉपिंग करने ले जाता है। तो कहता है बॉस आप चाहे जो मर्जी पाए कर लो, मैं आपका बिल पे करूंगा। वो कहती है सच में, देख लेना बाद में मुकर मत जाना। ही वाज लाइक ट्राई कर लो। फिर वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। निंग एक ड्रेस ले रही थी, मिस्टर लू कहता है ये तुम पे बहुत जच रही है। और फिर निंग बहुत सारी ड्रेस लेने लगती है तो पूछती है बताओ मुझ पे कौन सी वाली सूट कर रही है। मिस्टर लू कहता है मैं क्या बताऊं, तुम तो किसी भी ड्रेस में अच्छी लगती हो। सेल्स गर्ल कहती है वाओ आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत स्वीट है। निंग उसे बताने लगी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बट मिस्टर लू बीच में बोल पड़ता है हाँ हाँ हम ये सारी ड्रेस लेंगे, इन्हें पैक कर दो। सेल्स गर्ल ड्रेस ले जाती है तो वो कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड कब से बन गए। वो कहता है क्यों तुम्हें पता नहीं चला, मैं तो कब से तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जब से तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी बना हूँ। पर निंग जानबूझ के उसके ऊपर और ऑर्डर्स चलाने लगी थी ताकि वो तंग आ जाए, बट मिस्टर लू भी उसकी सारी बातें मान रहा था और फिर उसके लिए आइसक्रीम लेके आता है। वो कहती है बस करो तुम थक गए होगे, लाओ पॉलिथीन मुझे दे दो मैं पकड़ लूंगी। वो कहता नहीं मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। निंग कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई तुम मुझे बहुत लाइक करते हो। मॉम डैड उनका वेट कर रहे थे तभी वो दोनों आते हैं। तो कहते हैं तुम लोग तो बड़ी शॉपिंग करके आए हो, लगता है निंग ने मिस्टर लू तुम्हारे ऊपर बहुत ऑर्डर चलाए हैं। तो उसे हंसी आ जाती है। मॉम कहती है बेटे तुम बहुत थक गए होगे तो आज यही डिनर कर लो। बट मिस्टर लू को उसके मॉम का फोन आ गया था इसलिए वो घर चला जाता है। निंग जैसे अंदर आती है तो देखती है उसके मॉम डैड ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाए हैं और एक पर्स तो उसका फेवरेट पर्स था, तो बड़ा खुश होती है और तो और खुशी के मारे अपनी मॉम को हग कर लेती है। डैड उसे बताते हैं कि कल प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस होगा, क्या तुम वहाँ चलोगी। तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं चाहूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं निंग अपनी कार लेके वहाँ पे एंट्री मारती है और वो काफी बेडास लुक में आई थी। तभी वहाँ पर पैंग उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। मॉम कहती है कहीं तो प्रोजेक्ट के पैसे लेने तो नहीं आई। निंग वाज लाइक मुझे तुम लोगों के पैसे नहीं चाहिए। मॉम कहती है हाँ तुझे क्या पता, इस प्रोजेक्ट के मिलने के बाद हम मल्टी मिलियनेयर बन जाएंगे। पैंग कहता है लगता है तुम मुझसे माफी मांगने आई हो, जल्दी से मेरे घुटनों पे गिर जाओ। चाइल्डहुड फ्रेंड कहती है तू उछल मत, तू बस मिस्टर लू की मिस्ट्रेस है क्योंकि उसकी फियांसे तो डुआन कंपनी की प्रेसिडेंट है। निंग कहती है लगता तुझे पता नहीं है मैं ही डुआन कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, बट वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे कि तू वो प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है। अंदर चले जाते हैं, इतने में वहाँ पर निंग के डैड भी आ गए थे तो वो अपने डैड के साथ अंदर आती है। मॉम अंदर जाते कहते हैं वाओ कितनी बड़ी कंपनी है, लगता है ये लोग बहुत अमीर है। वाओ कितना सारा खाना है, ये फ्री है तो मुझे बहुत सारा खाना होगा। डैड बाकी बिजनेसमैन से बात करने चले गए थे इसलिए निंग अकेली रह गई थी। तो वो लोग फिर से आ जाते हैं और उसके इंसल्ट करने लगे थे। चाइल्डहुड फ्रेंड कहती है तुझे शर्म नहीं आती तू किसी बुढ़े के साथ घूम रही है, तूने बुढ़े को भी फंसा लिया। निंग को बहुत गुस्सा चाहता है और वो उसके थपड़ा मार देती है। तो पैंग और मॉम उसे सुनाने लगे थे, निंग से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए वो सेक्रेटरी को फोन कर कहती है जल्दी से मीटिंग अरेंज करो। डैड के असिस्टेंट आकर मीटिंग के बारे में डिस्कस करने लगे थे। पैंग कहता है अब देखना तुम मैं इस प्रोजेक्ट से कितना मल्टी मिलियनर हो जाऊंगा, तब तुम मेरे पैरों पे होगी। और बड़ा खुश हो रहे थे, बट तभी वो असिस्टेंट बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गया। तो वो लोग चिल्लाने लगे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो सबको बता दिया हम मिलीने बनने वाले हैं, अब हमारी बाकी रिश्तेदारों के सामने इज्जत क्या रहेगी। पर निंग हंस रही थी तो पैंग गुस्से में था। तभी असिस्टेंट कहता है और ये प्रोजेक्ट चाहता है प्रेसिडेंट निंग को, तो जल्दी से आइए और अपनी स्पीच दीजिए। उन दिनों के तो होश ही उड़ गए थे और चिल्लाने लगे थे कि ये कैसे हो सकता है, बट निंग उन्हें इग्नोर करती है और गार्ड्स को कहती है इन तीनों को बाहर फेंक दो। फिर वो स्पीच देने जाने लगी थी, पैंग कहता है निंग प्लीज मुझे माफ कर दो, बट गार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं और उन दोनों को भी खींच के ले गए थे। फिर निंग स्पीच देने के बाद अपने डैड के साथ वापस जाने लगी थी। बाहर पैंग फ्लावर्स को लेके खड़ा था और उसके पैरों में गिर जाता है। तो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करा, उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने को कहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया।
प्लीज मुझे एक चांस दे दो। डैड कहते हैं कि ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, सच में तुमने बहुत बड़े चंपू को ढूंढा था। निंग कहती है मैं तुम्हें माफ कर दूं, फौरन में तुम्हारा किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, मुझे सब पता चल गया अब तुम्हारे बारे में, पर मैंने फिर भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करा, पर अब लिमिट क्रॉस कर दी है तुमने। और जाने लगी थी बट वो उसके पैरों पकड़ लेता है। डैड कहते हैं गार्ड्स को इसे अभी कभी बाहर फेंको, आगे से मेरी बेटी के सामने आ नहीं जाना चाहिए। तो गार्ड्स उसे पकड़ के रेशा आते हैं। निंग कहती है शुगर है चंपू से पीछे छुड़ा और मैं इसे लव समझ रही थी। डैड कहते हैं अब तुम्हें पता चला ट्रू लव क्या होता है, जिसमें इंसान उस इंसान की आत्मा को लव करे ना कि उसकी बॉडी और वेल्थ को। अब तो तुम समझ गई हो ना कि तुम्हें कौन ट्रू लव करता है। देन निंग स्माइल करती हुई हाँ कहती है। इधर चाइल्डहुड फ्रेंड टैंकी मॉम के घर आती है और कहती है मैं पैंक से शादी करने से पहले कुछ टर्म्स कंडीशंस को रखना चाहती हूँ, जैसा कि मैं पैंक के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ तो बदले में मुझे बहुत सारे पैसे और पूरा पूरा तुम्हारा घर चाहिए जो तुम लोग मेरे नाम पे करवाओगे। टैंक और मॉम तो हैरान थे कि तू प्रेग्नेंट है। वो कहती है लगता तुम्हें याद नहीं है हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था तो मुझे पैसे चाहिए। मॉम उसको थप्पड़ मारती है कि तूने पैसों के लिए सब किया है ना, अगर तू बीच में ना आती तो अच्छा खासा मेरे बेटे की उस प्रेसिडेंट से शादी होने वाली थी। और ऐसे मॉम और चाइल्डहुड फ्रेंड में फाइट होने लगी थी। इधर हम देखते हैं मिस्टर लू निंग को डेट पर लेके आया था, वो खाना खा रही थी तो उसे बताता है कि ये परफ्यूम अनरिक्वेस्टेड लव का सिंबल है, मैंने परफ्यूम इसलिए खरीदा क्योंकि मेरे एक लड़की पे क्रश है, क्या तुम इसे सूंघना चाहती हो। निंग हाँ करती है तो वो उसके हाथ पे थोड़ा सा छिड़कता है पर फिर वो खुद ही सूंघने लगा था और फिर निंग को सुनगाता है। निंग स्माइल करने लगी थी तो वो पूछता है क्या तुम भी मुझसे लव करती हो। निंग हाँ करती है आई लव यू टू और फिर दोनों किस करने लगे थे। हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है, तो बस थोड़ा सा इंतजार करना फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।